अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा YouTube चैनल ब्लाउज वाला सलूशन। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एक खूबसूरत सा लटकन फ्रिल वाला। तो ये हमारे कुछ पीसेस हैं जिसमें 5-5 लटकन बनेंगे एक साइड में, जिसके 6 हमने काट लिए हैं ट्रायंगल्स। अब इसका मेजरमेंट क्या है, 3.5 3.5, इसको यहाँ से बराबर रखा जाएगा और इसको यहाँ से कर देंगे हम कटिंग। ये 2 कलर में बनेंगे जिसमें हमारे पास ये 1 2 3 4 5 और 5 पीसेस इस साइड में हैं। ये कुछ इस तरह से आएंगे बनने के बाद और इस पे लगेगी फ्रिल। तो इसको अब हम रखते हैं किनारे और अब हम चलते हैं फ्रिल बनाने। तो ये फ्रिल्स की कुछ पट्टियां हैं जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। अब इनको हम सब एक साथ अटैच कर लेंगे, फिर उसके बाद फ्रिल बनाएंगे। तो पट्टियों को हमने जोड़ लिया है, अब इनको हाफ करके एक सिलाई से सबसे पहले रोका जाएगा, फिर उसके बाद इसमें बनेंगी फ्रिल्स। इस तरह से
तो दोस्तों हमने पट्टी में पहली सिलाई लगा ली, अब यहाँ पर प्लेट पड़ेगी। अब इसको यहां से हम डालेंगे प्लेट इस तरह से। इसी तरह से पूरे फैब्रिक में फ्रिल्स पड़ेंगी, प्लेटें पड़ेंगी। तो दोस्तों प्लेट हमारी पड़ चुकी है, अब इस पर होगा आयरन, उसके बाद आगे की। तो दोस्तों प्लेट हमने डाल ली है, अब इसमें हम अटैच करने जा रहे हैं।
तो दोस्तों हमने फ्रिल्स अटैच कर ली है, अब इस पर लगेगी एक सिलाई जो कि रेड धागे से होगी। होगी इस तरह से लगेगी सिलाई। तो दोस्तों फ्रिल भी हमने लगा ली है पट और ऊपर स्टिचिंग भी कर ली। अब इसको कैसे लगाएंगे उसके बारे में कुछ बात करेंगे। जो ये पहली वाली फ्रिल्स लगेगी, सॉरी फ्रिल्स नहीं ट्रायंगल लटकन, ये हमने पहली लगाया है। और इसको यहां से अब हम लेंगे पलटा, इस तरह से पलटाने के बाद दोस्तों इसकी लेंथ है हमारी 1.25 और हम इसका जो दूसरा लगाएंगे यहां से 2 इंच पर लगाएंगे। फिर इसको भी हम इस तरह से पलटा लेंगे और ये एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी इस तरह से अटैच। अब तीसरा जो हम बनाएंगे उसका भी तरीका सेम होगा, लेंथ हमारी 2 इंच, सेम तरीका इसमें भी। अब एक इसमें हम और लगाएंगे इस तरह से, Thank you.
दोस्तों देखा आपने, हमने इसमें एक साइड में चार लगा लिया है, ये पांचवा लगाने जा रहे हैं। तो ये हमारे दोनों डोरी के लटकन बन चुके हैं, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपको कैसा लगा इसके बारे में दो शब्द जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉच मी।